अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला मिलियनेयर। मेरे साथ बैठे हुए हैं फहीम अशरफ साहब। इनकी तारीफ ये है कि चीजेस ब्रांड के ये सीईओ हैं, को फाउंडर हैं। अब चीजेस ब्रांड को अगर आप जानते नहीं है तो इट्स अ फास्ट फूड पिज्ज़ा बेस्ड ब्रांड। 19 इनकी ब्रांचें हैं, 1000 से प्लस इनके एम्प्लॉइज हैं एंड देर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। अभी इन्होंने लाहौर में एंट्री ली है एंड जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे या देख रहे होंगे तब ये KPK में दाखिल हो चुके होंगे। ओपन द ब्रांच इन पेशावर और वहाँ तेजी से ये एक्सपेंड कर रहे हैं। बड़े अरसे से बतौर इनके दे बीन क्वाइट, दे बीन लर्निंग, दे बीन क्या कहते हैं, असला इकट्ठा करते रहे, वॉर चेस्ट बढ़ाते रहे हैं एंड नाउ यू आर इन एक्सपेंशन मोड। यस यस। सो फहीम साहब हमें बताएं आपने ये ब्रांड शुरू किया क्यों? हमने एक्चुअल तो अपने रोजगार के लिए शुरू किया था, तो जैसे इस ब्रांड में आगे काम किया तो एक हॉस्पिटैलिटी का एक जज्बा पैदा हुआ कि लोगों को खाना खिलाना बड़ा एक अच्छा काम है। तो जब जैसे हम पैसों से खाना खिलाते थे साथ साथ हम लोगों की मेहमाननवाजी भी करते थे तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, हम इसको आगे आगे चलाते गए। फास्ट फूड के अंदर क्यों आए? ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं थी? फास्ट फूड के अंदर इसलिए आए, पहले तो जस्ट एक पैसे कमाने के लिए आए थे ना, ये कि हम देसी में जाना है, फास्ट फूड में आना है। तो जब फास्ट फूड में आए तो जब देसी को देखा तो देसी बिजनेस थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफ़िकल्ट के साथ वो उसको हम इतना एक्सपेंड नहीं कर सकते इतनी ब्रांचेज के साथ, 20 30 50 100 ब्रांचों के साथ। तो ये वो फील्ड थी जिसमें आप पूरी दुनिया में 10,000 ब्रांचेज ओपन कर लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस ग्रोथ को, इसलिए इस फील्ड को आगे लेके चले। आप क्यों मानते हैं कि देसी बिजनेस को एक्सपेंड करना मुश्किल है? देसी फील्ड जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में जिसका ट्रेंड है या दुनिया में जिसका ट्रेंड है वो शेफ बेस्ड है। हर बंदे ने अपना तरीके से इसको बनाना, अपनी रेसिपी के मुताबिक बनाना। अगर आप उसको स्टैंडर्ड मेथड दे भी देंगे तो फिर भी थोड़ा बहुत वो अपनी मर्जी करते हैं, और वो शेफ बेस्ड बिजनेस है। ये हमारा जो बिज़नेस है फास्ट फूड बिज़नेस है, पिज़्ज़ा बिज़नेस है, ये है एक्चुअल रेसिपी बेस्ड बिज़नेस। इसमें ट्रेनिंग और रेसिपी की बुनियाद पर काम करवाया जाता है और वर्कर्स उसी मेथड्स को उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं जो उनको SOPs जो मेथड्स दे दिए जाते हैं। तो इसलिए इसमें कोई शेफ्स की अपनी कोई ज़्यादा मर्जी नहीं होती। R&D के लिए हमें शेफ्स की ज़रूरत पड़ती है बट उसके आगे शेफ्स की बहुत ज़्यादा कोई इसमें मर्जी नहीं होती। और ये शेफ जल्दी से बनाए जा सकते हैं? इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट अगर कुछ लर्निंग वाला बंदा है तो उसकी कोई लोअर लेवल पे कोई 1 ईयर की प्रैक्टिस है तो हम उसको 1 ईयर में किचन सुपरवाइज़र बना देते हैं। इसी को जिसको हम किचन सुपरवाइज़र कहते हैं इसी को लोग शेफ कहते हैं। ठीक, गुड हो गया। कितने पैसे आप लोगों ने इन्वेस्ट किए थे टू ओपन द फर्स्ट ब्रांच? फर्स्ट ब्रांच हमने 27 लाख से ओपन की थी, तो जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट इस पे इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा की आउटसोर्स, लेकिन जो फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट लिया था वो 27 लाख से स्टार्ट लिया था। कब लिया था? 2014 11 जनवरी 2014। तो अभी आपको 8 साल हुए इस बिजनेस में? जी तकरीबन। दूसरी ब्रांच आपकी कब? दूसरी ब्रांच हमने ओपन की थी मार्च 15 में, यानी 1 साल के अंदर ही आपने कदम ले लिया दूसरे का। थर्ड ब्रांच हमने दिसंबर 15 में ओपन कर ली थी। राइट नाउ इस वक्त आपकी एक एक ब्रांच पे ऑन एवरेज कितना खर्चा आ जाता है खोलने के लिए? अब तो माशाल्लाह डेकोर भी आपका जबरदस्त हो चुका है। 20-30 मिलियन के करीब ऑलमोस्ट, 20-30 मिलियन डिपेंड करता है कि एरिया पे डिपेंड करता है। अगर तो आपकी ब्रांच छोटी है 3,000 square feet की है तो 20-25 मिलियन, अगर आपकी ब्रांच बड़ी है तो 30 मिलियन प्लस भी आ जाता है। आप 3,000 square foot को छोटा कहते हैं? जी, तो हमारे लिए जो चीज़ के लिए 3,000 square feet जो छोटी ब्रांच होगी वो डाइनिन ब्रांच वो 3,000 square feet के करीब होगी। ठीक, आपकी सारी डाइनिन है? हमारे पास एक ब्रांच जो है वो डाइनिन नहीं है, डिलीवरी टेकवे है, बट उस वो भी ऑलमोस्ट आफ्टर टू मंथ वो भी डाइनिंग ब्रांच में शिफ्ट हो रही है। उधर हमने नई जगह अक्वायर कर ली है, उस पर काम हो रहा है, तो आफ्टर टू मंथ वो भी मूव रिप्लेस होके नई जगह पे चली जाएगी। मैंने आपके बाहर तकरीबन 20-30 बाइक्स खड़े हुए देखे हैं हमेशा, खासतौर पे इस ब्रांच के आगे। आपके ज़्यादा ऑर्डर डाइनिंग आते हैं या डिलीवरी वाले? डाइनिंग में देखें आज़ाद भाई, एक आपके पास एक मखसूस स्पेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1,000 square feet है, 1,000 square feet में आप 15-18 टेबल लगा लेंगे, लेकिन डिलीवरी पे तो पाबंदी नहीं है। आप 1 घंटे में 30 राइडर्स आउट करें, 40 राइडर्स आउट करें, तो डिलीवरी का बिज़नेस जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में या दूसरे बड़े शहरों में देखा जाए तो वो प्रॉफिटेबल है, उसी से एक्सपेंस पूरे होते हैं। इतनी बड़ी जगह लेके इसको डाइनिंग मॉडल पे नहीं किया जा सकता, डिलीवरी
कॉर्पोरेट बिजनेस ही हमारा ज्यादा बिजनेस होता है। ठीक, हमने ये तय कर लिया कि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट, आप इसमें दाखिल हो गए, आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा है पिज्जा में, क्रॉन क्रस्ट पिज्जा है, वो एक डिफरेंट शेप पिज्जा है जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, और बहुत हमारा ये पिज़्ज़ा लॉन्च करने के बाद बहुत अदर ब्रांड्स ने सेम शेप में पिज़्ज़ा लॉन्च किया, और हमारा वो हॉट सेल आइटम है और दूसरों को भी वो पिज़्ज़ा माशाल्लाह से अच्छा बिजनेस दे रहा है। ठीक हो गया, और जो बिजनेस अगर उनका जिक्र करूँ तो डोमिनोज कहती है कि जी हम आपका खड़े होंगे तो 7-8 मिनट में आपका पिज्ज़ा दे देंगे, बाहर खास तौर पर ये कहती है अगर डिलीवरी करवानी है तो 35 मिनट के अंदर हम डिलीवर कर देंगे और वरना आपको फ्री मिलेगा वगैरह वगैरह। ये जो आपकी 19 ब्रांचेस हैं, ये फ्रेंचाइज्ड हैं, ये सारी कंपनी ओन्ड है? टोटल कंपनी ओन करती है इसको। कंपनी ओन्ड वाली मॉडल आपने आगे चलाना है? जी, अभी 100 ब्रांचेस तक कंपनी ओन्ड मॉडल ही चलाएंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल रिसर्च है कि जो कंपनी 100 ब्रांचेस ओन्ड ब्रांचेस चला सकती है वो फ्रेंचाइज दे। अगर आप 100 ब्रांचेस को खुद से ऑन करके उनको उनके ऑपरेशंस को स्मूथ चला सकते हैं तो देन आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप फ्रेंचाइज दे सकते हैं। लेकिन टीवीएस ने तो फिलहाल फ्रेंचाइज मॉडल पे को काम नहीं किया और ना ही अभी फ्यूचर में करने का प्लान है, लेकिन जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो भी यही कहती है कि आप 100 ब्रांचेस के बाद फ्रेंचाइज देना चाहें तो दे सकते हैं अभी, बट टीवीएस का अभी कोई प्लान में शामिल नहीं है फ्रेंचाइज देना। हम अगर और लोकल ब्रांड्स को देखें, बर्गर लैब हो गई, आई थिंक दे ओन 3-4 उनके खुद हैं बट वो 20+ क्रॉस कर चुके हैं, देर इन द फ्रेंचाइज मॉडल, वाकई यू आर गोना स्टिक विद द 100 ब्रांचेस या चलिए 35 पे हम कह देंगे यार इनफ हो गया, अब हम फ्रेंचाइज में चलते हैं? नहीं आजाद भाई, ये जो बिजनेस है ये इंतहाई टफ बिजनेस है, 24 आवर्स आपको खुद से इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो बिल्कुल 35 ब्रांचों या 40 ब्रांचों पर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप एक इस स्टेज पे आ गया फ्रेंचाइज दे दें और फ्रेंचाइजी अपनी मर्जी करे। तो हम अपने बिजनेस में भी बहुत सी गलतियां कर रहे होते हैं तो, बट लेकिन हम उन गलतियों से सीख के ठीक कर लेते हैं। तो जो न्यू बिजनेसमैन होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो अपने आप को समझता है कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये एक डर है पाकिस्तान का। हाँ जी, तो डर भी है और हकीकत भी है इसमें। हाँ जी, वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा इस फील्ड में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो इसलिए वो अपनी मर्जी ही करता है, वो अगले के एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान के एनवायरमेंट में फ्रेंचाइज को आप इस लेवल पर आप फ्रेंचाइज दें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिजनेस को कब एक्सपेंशन की तरफ देखना चाहिए, कब वो समझे कि वो तैयार हो गया कि अब यार दूसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच खोलें? जब आप समझते हैं कि पहली ब्रांच को आप बहुत स्मूथ रन कर रहे हैं और अगली ब्रांच को चलाने के लिए आपके पास कुछ SOPs और कुछ आपके पास वर्क है, अगर आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, आप पहली ब्रांच भी आपकी जो पहले बिजनेस है वो भी 100% नहीं है, 60-70% है, तो देन आपको नेक्स्ट ब्रांच पर नहीं जाना चाहिए। आप ये इनको सारी ब्रांचेस को मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ तो आपकी इस्लामाबाद में है, फिर कुछ हैं जो अब लाहौर इतने दूर है, 4-5 घंटे का फासला है, आप दरमियान में गुजरहान जा सकते थे, झेलम जा सकते थे, और जगह में भी जा सकते थे, वाई ओपन दम सो फार अवे एक दूसरे से, और इन पर काबू कैसे रखते हैं, मेंटेन इनको कैसे करते हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन रखते हैं? पंजाब में मेरे दूसरे पार्टनर वो बैठते हैं तो पंजाब के बिजनेस को ज़्यादा वो देखते हैं, और हम एक मेच्योरिटी के बाद लाहौर गए हैं, हमने इधर 13 ब्रांचें चीजियस ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में 13 ब्रांचें ओपन करने के बाद लाहौर जाने का सोचा, तो एक मेच्योरिटी आ गई थी, एक टीम इतनी डेवलप हो गई थी, तो इसलिए लाहौर गए। अगर हम रास्ते में गुजर खान या झेलम या गुजरात जाते तो हमारा जो टास्क है वो अचीव नहीं हो रहा है, हमें पहले बड़े सिटीज़ में जाना है, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, उसके बाद फिर हम छोटे सिटीज को कवर करना है। लाहौर में ना 80 लाख लोग रहते हैं। जी जी बिल्कुल। आप वहाँ पे कितनी अपनी ब्रांचेस तो को करते हैं कि हम खोलेंगे? अगर हम उनके बड़े बड़े एरियाज को देखें तो 20 ब्रांचेस, जिस तरह अब आने वाले दिनों में फास्ट फूड का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग जो देसी खाने वाले लोग भी थे वो भी अब पिज़्ज़ा और बर्गर और फ्राइड पर जा रहे हैं, तो अब इस ट्रेंड के मुताबिक अगर आज में देखी जाए तो ये 30 ब्रांचें तो बड़ा इजीली लाहौर में जज़ब कर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत इजीली। आपका कुछ सेंट्रल किचन वाला कॉन्सेप्ट है? नहीं, हमारा सेंट्रल किचन वाला नहीं होता, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ से हमारी रेसिपीज वो सिर्फ उधर जाके मिक्स होनी होती हैं,
और साथ में कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं रॉ प्रोडक्ट्स बन के जानी होती हैं, और ब्रांच पे उन्होंने हाफ प्रोसीजर के मिजरी में और हाफ प्रोसीजर जाके ब्रांचेस पे होते हैं। आपकी बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी आज तक क्या रही है? अभी तक की जो अगर हम देखें तो हमारी जो कंपेन जो सुपरहिट हुई थी वो PSL में हुई थी, और जो हमारी स्टार्ट से लेके अभी तक जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है आने वाले लोगों को खाना खिलाना, अपने दोस्त को अहबाब में, अपने हल्का अहबाब में, मार्केट में खाना खिलाना। जो खाना खिला के आप लोग अपने अपनी प्रोडक्ट टेस्ट करा के जो मार्केटिंग ले सकते हैं वो आप किसी इश्तिहार के थ्रू नहीं ले सकते। मैं तो इनको वन डिश की तरफ पुश करता रहता हूँ, एक डिश के माहिर बन जाएं और उसके छोटे छोटे सैंपल दिया करें, कॉकटेल स्टिक्स पे, वो दांत साफ करने वाले दाने नहीं होते उस पर खिला दें, जायका उनके मुंह में डाल दें। जो आप वन डिश की कह रहे हैं, दुनिया में जो सबसे ज्यादा अर्निंग वाला बिजनेस है वो वन डिश बिजनेस ही है, और जो जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड हैं वो वन डिश टाइप कंसेप्ट पे ही चलते हैं। अगर हम KFC को देख लें तो KFC पिज्जा भी बना सकता है और KFC ग्रिल्ड बर्गर भी बना सकता है, ना तो KFC ग्रिल्ड बर्गर बनाता है ना ही KFC पिज्जा बनाता है, तो वो अपने ही फ्राइड में रहता है। इसी तरह मैकडोनल्ड की बात करें तो वो भी इसी में रहता है, वो अपने ग्रिल टाइप में रहता है, वो दूसरी चीज़ों में नहीं जाता। तो वन डिश का जो कंसेप्ट है वो तो दुनिया कंसेप्ट को मानती है। गुड, आपने कहा तीन आप पार्टनर्स हैं लेकिन MD का ओहदा आपको दिया गया, वो क्यों? मेरे जो दूसरे पार्टनर हैं, एक जिन्होंने स्टार्ट लिया था इमरान आजाद साहब, CEO हैं इस कंपनी के, एक मेरे बड़े भाई मेरे साथ पार्टनर हैं, वो स्लीपिंग पार्टनर हुआ करते के तौर पे हमारे साथ आए थे, तो बाद में उन्होंने कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट को ऑन किया। तो जो एक्सपेंशन हुई है, जो चीज़ें हुई हैं वो सारी तकरीबन 70-80% इसमें या 90% एफर्ट मेरी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी ऑपरेशंस की है, उन्होंने फिर आपको आगे कर दिया, इसलिए मैं ऑपरेशंस पे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता हूँ, तो इसलिए मैं ऑपरेशंस की ही सीट देखता हूँ। मैं मुझे ऑपरेशन थोड़ा सॉफ्ट टास्क लगता है, तो इसलिए मैं ऑपरेशंस को ज़्यादा ऑपरेशंस में रहता हूँ, तो इसलिए मैं वो MD ही मुझे सूट करता है। ठीक, तीन खासियत जो एक CEO में एक MD में होनी चाहिए। अपनी टीम पर रिलाय करने वाला हो, अच्छी टीम चूज करे और हार्ड वर्कर होना चाहिए। माशाल्लाह, और हार्ड वर्क तो किसी भी चीज है, ये तो नहीं, वो तो सारे कहेंगे हम हार्ड वर्क है। नहीं, हार्ड वर्क से मुराद ये कि उसको को डेली 12-14 घंटे काम करना पड़ता है। अब हार्ड वर्क से मुराद ये नहीं कि आपने सुबह काम शुरू किया और 3 घंटे इतना काम कर लिया उसके बाद थक गया जी मेरा बहुत हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क नहीं, आपको एटलीस्ट महीने में 26 दिन और डेली 12-14 घंटे काम करना पड़ेगा, इसको हम हार्ड वर्क कहते हैं। और बहुत से लोग इस फील्ड में आने वाले बहुत से लोग इतनी लंबी ड्यूटी इस फील्ड में नहीं देते, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो जो बंदा इस फील्ड में 12-14 घंटे डेली काम करेगा और 26 दिन इस काम करेगा वो इस फील्ड में मार नहीं खाता। आपने दूसरी बात में कहा था कि अच्छी टीम इकट्ठी करें, अब अच्छी टीम किसी को मिलती नहीं है, तो अच्छी टीम बनाते किस तरह? अच्छी टीम बनाने की बात वही आ जाती है कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, तो जो अब आपके ट्रेनिंग मेथड्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके ट्रेनिंग मेथड्स और ट्रेनिंग सिस्टम ज़्यादा हैं, वही बात आ जाती है जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग पाकिस्तानी लोग कंपनी नहीं बनाते, हम लोग रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम कंपनी बनाएंगे तो अच्छी टीम में वो ही उस सिस्टम से ही बाहर आ जाती है। ये इन्होंने ना ऑफ कैमरा हम दोनों जब बात कर रहे थे कहा था कि यहाँ पे जब एक ओनर इंतकाल कर जाते हैं तो वो कंपनी बैठ जाती है, जबकि बाहर की आप देख लो, रिग्लीज देख लो आप, कोक देख लो आप, पेप्सी देख लो, इनके मालिक गल सर गए हैं, लेकिन ये सिस्टम इनके क्योंकि थे तो आज भी ये कंपनीज चल रही हैं। तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन। आई थिंक जितनी ज़्यादा हमारे पास वो बिज़नेस का शोर आएगा, आगाही आएगी, जितने ज़्यादा हमारे बिज़नेस पीपल होंगे तो ये सिस्टम इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। जब आप ये बना रहे थे चीज़ इस ब्रांड, आपने बहुत सारे सबक सीखे होंगे, आपने बहुत सारे ठुड्डे खाए होंगे, टेल अस अबाउट दोस्त, ताकि ये बच्चे जो हैं ये ना खाएं, शॉर्टकट्स इनको कुछ बताएं। शॉर्टकट्स यही है कि जो भी बंदा इस फील्ड में, मैंने पहले भी वही बात बोली, दोबारा वही बोलूँगा, जो बंदा इस फील्ड में 12-14 घंटे काम करता है वो अपने सिस्टम से आगाह है, वो ठुड्डे नहीं खाता, वो डेली जो गलती करे उससे सीखता जाए तो आगे नहीं होता। तो जो जिस दौर में हमने स्टार्ट लिया था, चीज़ ने स्टार्ट लिया था, वो दौर थोड़ा सा एक पुराना दौर था, थोड़ा सा, इतना पुराना भी नहीं था,
लेकिन आज के दौर में आपके पास कोई यूनिक आइडिया होना चाहिए। जिसके पास एक यूनिक आइडिया है वो इस फील्ड में ठुड्डे नहीं खाता, वो खाने पीने वाली चीज लेकिन हो यूनिक आइडिया। यूनिक आइडिया, आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से सेल करें। आपके पास अगर वन डिश की, जैसे आप बार रेगुलर करते रहते हैं, तो अगर वन डिश ही है तो वो यूनिक हो, उसकी पैकेजिंग यूनिक हो, उसका सर्विंग स्टाइल यूनिक हो, वो चीज़ आप लेके हैं जो मार्केट में पहले नहीं है। आप इंटरनेशनली जगह से कोई ढूंढ के लाएं, इंटरनेशनली आइडियाज़ को कॉपी कर लें, आप नहीं अपना कोई आइडिया जनरेट कर सकते। यूनिक आइडिया सेल होता है। हमारे जैसा जो बिज़नेस था ये थोड़ा पहले दौर का था, तो आज ये चल रहा है, अदरवाइज आज के दौर में ये वाला बिज़नेस नहीं है। आज के दौर में यूनिक आइडिया सेल होता है। क्या इनको प्राइसिंग पे कंपेटिटिव होना चाहिए, सस्ता करके चीज़ बेचनी चाहिए या नहीं? प्राइसिंग पे जो चीजेस की स्ट्रेटजी है, जो चीजेस सोचता है, जो चीजेस करता है, वो ये कहता है कि आप पूरी प्राइस लें बट जो प्रोडक्ट है थोड़ी ज़्यादा दे दें। ठीक, प्राइस कम ना करें, प्रोडक्ट थोड़ी मील साइज थोड़ा बेटर करके दे दें। अगला बंदा ये ना महसूस करेगा यार मैंने 1600 रुपये दिए, 1600 रुपये की चीज़ नहीं है ये, तो यार 2000 की दे दी है। वैल्यू फॉर मनी उनको वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए और साथ में कुछ ऐड करके दें। ठीक, अगर आप प्राइसिंग कम रखते हैं तो लोग कहते हैं बहुत सस्ते हैं, तो स्टार्ट में हम लोग की चीज़ की बहुत सस्ती प्राइसिंग हुआ करती थी, तो लोग कहते थे कि चीज़ पता नहीं क्या है। जब से हमने अपनी प्राइसेस को थोड़ा ठीक किया तो लोग हमें ज़्यादा वैल्यू देना शुरू हो गए। पाकिस्तान में जो महंगा उसको ब्रांड कहा जाता है, जो सस्ता है उसको लोग वैल्यू नहीं देते। समझा चुका हूँ, वेरी वेरी ट्रू दैट। आपने क्योंकि अब ये कहा कि जी हमारी पॉलिसी है टू गिव मोर, आपकी तीन ब्रांड वैल्यूज जो जिसको आप कायम रखते हैं। एक तो पहली वही बता दी कि कस्टमर सर्विस में हम बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं कि जो भी हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं वो हर हाल में हैप्पी जाने चाहिए। दूसरी पे ये भी है कि हम लोग वो नहीं करते, हम एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग के पे नहीं जाते कि कस्टमर की जेब से एक ही दफ़ा सारे पैसे निकलवा लिए जाएं। हम चाहते हैं कि कस्टमर उतना ही ऑर्डर करे जितने उसको नीड है और वो फूड वेस्ट ना हो। अगर बचे भी तो हम उसको पैक करके दे देते हैं कि आप ये अपने ड्राइवर को या अपने घर में किसी और को दे दें। थर्ड बचती है, तो थर्ड में हमारी कोशिश होती है क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, कि हम किसी इंग्रेडिएंट्स पे ना कंप्रोमाइज़ करें, अपने फूड पे को कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। ये तो सारे कहते हैं, कोई मिसाल दें। मिसाल ये कि जैसे अभी मैंने आपको बोला कि चीजीएस बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट नहीं बेचता। हमारे पास जो भी कस्टमर आता है तो हम उसको जस्ट 30 रुपीज़ में पानी देते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो 30 रुपीज़ वाला पानी भी हम किसी लोकल कंपनी से पैक नहीं करवाते, वो भी हमारी कोशिश होती है आपको किसी अच्छे ब्रांड का पानी दिया जाए। यानी एक्वाफिना, तो किसी अच्छे ब्रांड का पानी दिया जाए, वो ब्रांड जो जिसको कस्टमर बहुत खुश होकर रिसीव कर ले। 30 रुपीज, जस्ट 30 रुपीज। आई एम प्रीटी श्योर मैंने जब भी किसी पेट्रोल पंप से किसी की से लिए वो तो 40-50 रुपए का ही होता है। आजकल 50 का हो गया, आजकल 50 का हो गया, बट हमने इसको पिछले 1.5-2 साल से 30 रुपीज में ही सेल कर रहे हैं। कि हम पानी से हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। हम कोल्ड ड्रिंक जस्ट 80 रुपीज की देते हैं, जो दूसरे अदर ब्रांड्स 100-200 की देते हैं। 100 की कोई भी नहीं देता, 90-200 के करीब देते हैं, तो उस पर भी हमारा रीफिल 100% फ्री है। मैं कहने वाला था रीफिल देते हैं, ठीक है, 100% रीफिल फ्री है और अनलिमिटेड है, जितनी दफ़ा मर्जी को ले लें। बाहर एक चेन है, उसका नाम है सुरक्षा चिलीज, आई थिंक चिलीज वाले अनलिमिटेड रीफिल देते हैं, तो उनकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये आप भी अपना सकते हो भाई, पानी खुला, वो टूटी लगी हुई है, फाउंटेन लगा हुआ, खुद भरते जाओ पीते जाओ। दिस इज समथिंग यू कैन अपना। जाते वक्त हमारे बच्चों को कोई एडवाइस दी तो हमने बहुत सारी है, हमने बहुत सारे सबक भी सीखे हैं, बट एनीथिंग यू कैन एडवाइस देम जब भी अपना वन डिश वाला बिजनेस करने वाले हैं। मैं तो इनको हमेशा कहता हूँ छोटा करें, एक डिश पकड़ें, उसमें ज़्यादा काम होता है, उस एक चीज़ में आप बहुत माहिर हो जाएंगे। वुड यू अग्री विद मी? मैं बच्चों को कहूँगा जब भी आप इस बिज़नेस में आएँ थोड़ी सी वर्क करके आएँ, थोड़ा सा कुछ सीख के आएँ। आपके माँ बाप ने आपको 5-6 मिलियन दे दिया और आप कह रहे हैं मैं रेस्टोरेंट बना के इसको खत्म करने जा रहा हूँ। रेस्टोरेंट बना के 5-6 मिलियन, 6 मिलियन में नहीं हमने खर्चना, ठीक है, कत्ते नहीं। हमने ना 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 में शुरू करना है। हमने कियोस्क बनाने हैं, मिनी रेस्टोरेंट हमने बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने हमने, ठीक है। तो जब भी आप आए कुछ वर्क करके आए, पहले किसी के साथ कुछ देर ट्रेनिंग ले लें। आप किसी हमारे पास आ जाएं, आप चीज़ें आपको पसंद है हमारे पास आ जाएं, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे कि आप ये बिज़नेस इस तरह कर सकते हैं, इस तरह आप सप्लाई चेन मैनेज कर सकते हैं, इस तरह आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ वर्क करके आए, विदाउट वर्क आप किसी भी बिज़नेस में पंगा ना लें। थोड़ी सी पहले अपनी वर्किंग करके फिर इस फील्ड में एंटर हों। ब्यूटीफुल, जज़ाकअल्लाह खैरन फॉर एवरीथिंग।
आपसे मैं इल्तिजा कर सकता हूँ? जी जी, आपने इंटरव्यू दिया, कैसे महसूस हुआ? बेहतरीन जी। व्हाट इफ ममून, आपने भी हेल्प करनी है, आप एक छोटा सा टिकटॉक पे अपनी डेली जो लाइफ है, अ डे इन द लाइफ ऑफ एन एमडी, वो साथ शेयर करते जाए, उस्ताद बने, इनको गाइड करें। आप फूड की इंडस्ट्री में है ना, 19 ब्रांचें चलाते हैं ना, 99.9999% पाकिस्तानी 19 ब्रांचें नहीं चलाते, एक भी नहीं चलाते होंगे, तो आप यूनिक हैं। आप हमें टिकटॉक एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, वर्टिकल है, यानी आपने ये वीडियो निकाला कल 10 लाख लोगों ने देखे, वो पढ़े मारा, तो इट विल रियली, एक तो आपकी ब्रांड बढ़ेगी, प्लस आप अंदर की कहानी बताएं। ये देखिए जी, इंग्रेडिएंट हम नहीं ला सकते, शॉर्टेज हो गई है, फूड फॉरेन पे बैन हो गई है, अब इसका हमने नेमो बदल KNN से उठाया या फलां से उठाया, ये छोटी छोटी चीज़ें आई वुड रियली अप्रिशिएट, और ये भी अप्रिशिएट करेंगे। हल्का सा वादा, पांच वीडियोस मांग रहा हूँ, मंजूर है ना? जी बिल्कुल मंजूर है जनाब। चीज़ का चैनल आ रहा है, देखिएगा, फहीम साहब हैं अन करीब। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपके एक्सपेंशन में बरकत डाले। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एक बात थी, मैंने कहा था कि आपको महसूस नहीं होता कि आप लोगों को बीमार कर रहे हैं, आपने क्या कहा था? मैंने इससे पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि फास्ट फूड जो पिज़्ज़ा फूड है, ये फूड आप हफ्ते में एक दफ़ा खाएं, आप डेली ना खाएं, आप हफ्ते में एक दफ़ा खाएं, आफ्टर 10 डेज खा लें, हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें, और जब भी लें एक मुनासिब मील लें, बड़ा साइज़ ना लें, तो इससे आपकी हेल्थ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पेप्सी है, वो भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो एक मखसूस क्वान्टिटी आप डेली ले सकते हैं, तो वही सेम फास्ट फूड में है कि आप एक मखसूस मील अपनी रूटीन से लेंगे, तो इससे कोई आपकी हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आखिरी में आपसे सवाल पूछूं, आज खुदा न हासा बैंकरप्ट हो जाते हैं, व्हाट वुड यू डू पैसे कमाने के लिए? और मैं आपको 5 लाख भी दे देता हूँ, ये ले 5 लाख टू रीस्टार्ट योर लाइफ। बैंक अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोनिंग नहीं लेते, हम अपने पैसे से, मैंने आपको गिफ्ट कर दिए, सुनिएगा, तो हम अपने पैसे से ही करते हैं। तो अगर हम बैंक करप्ट हो जाते हैं, टीडीएस बैंक करप्ट हो जाता है, तो मैं अपने दोबारा बिजनेस का स्टार्ट इसी फील्ड से लूँगा। मैं एक चिप्स की एक रेडी लगाऊंगा, मैं खुद से काम करूँगा और दोबारा से एक बड़ी चेन खड़ी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, किलर एडवाइस, ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैरन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपके देखने का, इनका हमें सबक सिखाने का। मैं उम्मीद करता हूँ आप में हौसला बड़ा होगा, खासतौर पर जो लास्ट चीज़ उन्होंने कही है कि भाई आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द रेडी, वो चिप्स वाली में इतना एक्सपेंशन हो सकता है, इतनी फ्लेवरिंग्स हो सकती है, इतनी टॉपिंग्स हो सकती है, इतनी शक्लें हो सकती हैं चिप्स वाली के, भाई इंतहा नहीं है। सो स्टार्ट स्मॉल एंड बिग, इन्होंने भी एक से शुरू किया था, 19 में पहुँचे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम जब कभी मिले 39 होंगे, और फिर जब आपने फ्रेंचाइजी देखी तो समझ लें कि 100 कर वो मार्का इन्होंने टेक ऑफ कर दिया है। KFC इधर आई थी, चीज़ें बाहर जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।